नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। प्रशांत किशोर बिहार में खासकर इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज वो बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने ऐलान किया कि 20 तारीख से वो बात बिहार की शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ लाखों युवाओं को जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम अपने साथ अभी फिलहाल 2,93,000 लोगों को जोड़ चुके हैं और आने वाले वक्त में वो 1 करोड़ युवाओं को जोड़ेंगे। वहीं इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। जेडीयू के जो नेता हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने इस मामले को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि आज प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार को बीजेपी का पिछलग्गू बता दिया है। तो आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। आप सुनिए कि आरसीपी सिंह क्या कुछ कहते हैं। सर, प्रशांत किशोर जिस तरह से आज कई तरह की बातें जदयू को लेकर के कहा है, नीतीश कुमार को लेकर कहा है, किस तरह रिएक्ट करते हैं? देखिए, हमारे नेता ने जो काम किया है बिहार की जनता जानती है, और हमारे नेता का संकल्प है बिहार को विकसित प्रदेश बनाना, उसी में वो लगे हैं और उसको पूरा करें। लेकिन वो कहते हैं कि हम 10 लाख युवाओं को जोड़ेंगे, बिहार में मिशन शुरू करेंगे युवाओं को जोड़ने का, किस तरह देखते हैं? जनता दल यू में मैंने बताया ना, हमारा सदस्यता अभियान चला था, 50 लाख कार्यकर्ता हमारे पहले से हैं। अभी हमारा बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव सब जगह बना, 72,000 बूथ हैं, तो 1.5 लाख हमारे समझिए सक्रिय साथी, और 1 सक्रिय साथी वही बनता जो 25 बनाता प्राथमिक, तो हमारे पास में समझिए 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे साथी कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग को किसकी चिंता करनी, हम लोग किसी की चिंता नहीं करती हैं। जितनी पार्टियाँ हैं, जितने संगठन हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं अपना अपना काम करने के लिए, और हम लोहारी पार्टी जो है अपने नेता के नेतृत्व में बिहार की जनता के विकास के लिए काम करी है और करते रहे। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप बीजेपी के पिछलग्गू पार्टी हैं। हमारे नेता नीतीश बाबू एक जो पहचान है ना, वो तो किसी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, जो सर्टिफिकेट दे रहे अपना पता कर ले कहाँ कराने वाला है। तो आपने सुना, आरसीपी सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया कि हमारे नेता जो कि नीतीश कुमार हैं, उन्हें किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि एक तरफ प्रशांत किशोर तमाम आरोप भी लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर। ऐसे में जेडीयू ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि कोई अपना खुद का देखे, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रशांत किशोर को जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, और जेडीयू से हटने के बाद प्रशांत किशोर पहली बार बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचने के बाद आज उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इस दौरान तमाम बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन वो ऐसे युवाओं की फौज तैयार करेंगे जो कि आने वाले वक्त में बिहार को बदलेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर आने वाले वक्त में और क्या कुछ बदलाव होते हैं, बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। तमाम चीजों से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।